गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप लोग देख लो, काफी इन्फॉर्मेटिव है। और पिछला व्लॉग में मैंने बताया था कि सर्विसिंग के बाद इसका सीटी माइलेज टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या एवरेज निकाल पाती है सिटी में। तो फिलहाल मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं अपनी ये गाड़ी लगी हुई है। मैंने दो बोतल लेके रखी है, एक इसमें डालेंगे और जब ये खत्म हो जाएगा इसके बाद दूसरी बोतल डालेंगे। चलिए अभी इसे फ्यूल निकालते हैं और देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस सिटी में देती है। तो यहाँ पर है अपनी बाइक और आगे से देख सकते हैं काफ़ी झकास लग रही है, मतलब कि नेकेड में यार ये मॉन्स्टर लुक देती है। तो अभी फिलहाल हम लोग रिंग रोड में है और इससे फ्यूल निकालेंगे। दो तीन दिन पहले मैंने इसको सर्विसिंग कराया था तो इससे अभी फिलहाल फ्यूल निकालते हैं और थोड़ा बहुत तो रहेगा ही इसमें, वो तो खैर BS6 है तो इसमें थोड़ा बहुत तो रहना ज़रूरी है। फटाफट से इसका फ्यूल निकालते हैं और इससे एक लीटर का इसमें डालेंगे फ्यूल। ये मैंने दूसरी वाली ले कर रखी है ताकि अगर ये ख़त्म हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीच रास्ता में हमको ठेलना पड़ जाए। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद इसको मैं डालूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल जो हमने पूरी ख़त्म कर दिया है फ्यूल टैंक से। तो मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्ट नहीं ले रही है, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये BS6 इंजन है, कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं इंजन में। तो सबसे पहले हम लोग को करना होगा इसका ट्रिम मीटर ज़ीरो। तो अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए करना होगा हम लोग को ये मोड बटन पर क्लिक करना है। देखिए ट्रिप वन में इसको मैं ज़ीरो करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं ट्रिप वन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ट्रिप वन ज़ीरो हो चुका है। तो इसको मैंने सेट कर दिया। एक लीटर फ्यूल है तो इसको डालते हैं। रोशन डालो तो हमने पूरी 1 लीटर जो है इस पर पेट्रोल जो है वो डाल दिया है। तो अभी चलते हैं यहाँ से मार्केट की और देखते हैं कि ये सिटी में क्या एवरेज निकाल के देती है। हमारी बाइक जो स्टार्ट ले चुकी है, अब चलते हैं सिटी की और देखते हैं भाई साहब क्या एवरेज निकाल के देती है। वैसे मैंने 1 लीटर जो है एक्स्ट्रा रखा हुआ है बैग में कि कहीं अगर ख़त्म हो जाए तो उसको वहीं डाल लेंगे, नहीं तो ढकलना पड़ सकता है। तो यार आज जब हम बाइक को चलाएंगे मार्केट में तो ज़्यादा रफ नहीं चलाएंगे, 60 इतना में ही चलाएंगे। तभी एक्चुअल जो है इसका माइलेज जो मिलेगा। और रफ चलाएंगे तो होगा क्या कि सिटी में कई बार गियर शिफ्टिंग करने पड़ते हैं जिसके वजह से हमें माइलेज कम मिलती है, तो उतना रफ नहीं चलाएंगे। तो अपन यहाँ से सीधा जाएंगे, एक जगह है जहाँ पर स्पेशल मोतुल का ही सर्विसिंग किया जाता है। वहाँ पर अगर आप कुछ भी लेंगे जैसे कि इंजन ऑयल से लेकर चैन ल्यूब तक हर एक चीज़ आपको मोतुल का मिलेगा, तो वहीं पर अपन बाइक वॉश कराएंगे। और शायद दुमका में कहीं ऐसा फोम वॉशिंग नहीं होती है तो वहीं पर जाना पड़ेगा हम लोग को। इससे पहले अपन कभी नहीं कराएं इस पर भाई, आराम से। तो यहीं पर है वो जगह शांति आरती मोटर्स, तो यहीं पर अपन आज कराएंगे इसकी फोम वॉश। देखते हैं आज हो पाती है कि नहीं। और यहाँ पर लगी है इंटरसेप्टर, कहाँ पे इसका जो डोर है कहाँ ताले तू। सो गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी और धूल के चकाचक लग रही है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं फिलहाल और मार्केट का एक राउंड मारेंगे और सीधा इसके बाद वापस घर। मार्केट का एक राउंड मारेंगे इसके बाद यहाँ से सीधा घर। सो गाइस यहाँ पर है सीधा रोड और यहाँ पर थोड़ा बहुत खींच के देखते हैं, मज़ा आएगा। मार्केट में मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक ही चला सकते हैं, ये चीज़ है कि
अगर आप उससे अबव चलाते हैं तो थोड़ा बहुत डर बैठा रहता है मन में। भाई साहब बिना इंडिकेटर दिए कोई कोई इंसान लेफ्ट या राइट अपना डायरेक्शन ले लेता है, तो ये गलत है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि पहले आप इंडिकेटर दें, इसके बाद ही कहीं मुड़े। अदरवाइज होता क्या है कि कोई स्पीड में रहता तो टाइम पे वो ब्रेक नहीं मार पाता और एक्सीडेंट हो जाता। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से लेते हैं राइट, इधर से चलेंगे अपन वापस घर। माजी 6 hours later। कुछ ज्यादा ही टोटो वगैरह दिख रहा ना, काफी बढ़ गया है ट्रैफिक, बढ़ा गया। A few moments later। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 23 किलोमीटर का एवरेज निकाल के दे रही है सिटी में, जो कि पिछले बार से बहुत ही कम है। तो आप लोग मुझे कमेंट पर बताओ अगर आपके पास ड्यूक 250 है तो आपकी सिटी में कितना एवरेज आपको निकाल के दे रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी कम है पिछली बार से, जो कि थर्ड सर्विसिंग अपनी ख़त्म भी हो गई है। तो यार GoPro ऑफ होने की वजह से मैं पूरा वीडियो जो है कैप्चर नहीं कर पाया। तो एग्जैक्टली इसमें 23 kmpl का माइलेज दे रही है सिटी में। और अगर आपके पास ड्यूक 250 है वो भी BS6 मॉडल, तो आप कमेंट पर मुझे बताओ कि आपकी सिटी में कितना एवरेज दे रही है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।